So, hello everyone. So, अभी हम लोग तो करने वाले हैंज द नेशनल या फिर तो लॉ के अंदर कहने का एक छोटा सा चैप्टर है चार माह का क्वेश्चन अपने आपको देखने को मिल सकता है या फिर हो सकता है ना भी मिले बट रियल लाइफ के अंदर भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इस टॉपिक का खासा रिलिवेंस है एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल राइट

बट एनसीआरटी कोर्ट जैसा है एनसीआरटी के पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स हैं, कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको हैंडल करने की पावर्स हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है एक काजी जुडिशियल ऑथोरिटी है जो लॉ के अंदर सेट किया गया है अब एनसीआरटी क्यों सेट किया गया है लॉजिक क्या है इसके पीछे एनसीआरटी सेट करने से क्या बेनिफिट मिला है राइट right, ये समझते हैं

है ना सीएलबी डिस्प्यूट हैंडल करेगा जो कॉम्प्रोमाइज है अरेंजमेंट है वाइंडिंग अप है वो हाई कोर्ट देखेगा तो इस तरीके से अलग अलग ऑथोरिटीज हुआ करती थी कुछ पावर सीएल के पास था कुछ हाई कोर्ट को दे दिया गया था तभी डिसाइड किया गया था कि भाई क्यों ना इन सारी चीजों को एक एक जगह कर दिया जाए क्यों ना कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनको एक जगह कर दिया जाए एक अलग ऑथोरिटी बना दी जाए दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अब जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को बनाने की बात आई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को जब बनाने की बात आई तो प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि कुछ ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स ने इसके खिलाफ अपील किया था कुछ ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स ने इसके खिलाफ अपील किया था कि एनसीआरटी नहीं बनना चाहिए अपील क्यों किया था बट प्रैक्टिकली फैसला जो है उनके खिलाफ आया मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि नहीं एनसीआरटी को आना चाहिए तो प्रैक्टिकली उन्होंने अपील क्यों किया था प्रैक्टिकली एनसीआर से बेनिफिट किया हुआ है एक तो एनसीआर से ये बेनिफिट हो गया कि कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे अब वो एक जगह आ गए सारे सारे के सारे, एक काजी जुडिशियल ऑथोरिटी सेट कर दिया दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि भाई पहले हाई कोर्ट भी बीच में इन्वॉल्व हुआ करता था हाई कोर्ट के पास और भी काफी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं तो अब हाई कोर्ट जो अननेसेसरी मैटर्स को हैंडल कर रहा था वो भी एनसीआरटी के पास आ गया मतलब क्या हो गया कि हाई कोर्ट का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो गया उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पीडी डिस्पोजल हो गया बिकॉज पूरे कंपनी लॉ के लिए एक ही ऑथोरिटी है कोई कंफ्यूजन नहीं है तो स्पीडी डिस्पोजल हो गया यहाँ पे एंड साथ ही साथ एनसीएल का मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रॉग बनाया गया है एंड उसके अलावा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है दट स्कोप ऑफ प्रोफेशनल्स है प्रोफेशनल्स का स्कोप इंक्रीज हो गया स्पेशली मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है एनसीएलटी का आना ऐसा क्यों है सर इसी बात को मैं कोरिलेट कर रहा हूं विद दैट इंसिडेंट की मैंने आपको बताया ना कि कुछ एडवोकेट्स ने अपील फाइल किया था राइट अब प्रैक्टिकली वो अपील क्यों फाइल किया था एडवोकेट्स ने बिकॉज क्या था कि पहले मामला हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व था वहां पे है ना कॉम्प्रोमाइज है अरेंजमेंट है मामला जब आगे जाता था वाइंडिंग अप के केस में हमेशा हाई कोर्ट इन्वॉल्व था और प्रैक्टिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी सेक्रेटरी एक कॉस्ट अकाउंटेंट ये लोग हाई कोर्ट में मैटर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते दे कैन नॉट रिप्रेजेंट ए मैटर इन द हाई कोर्ट ओनली एडवोकेट्स कैन रिप्रेजेंट ए मैटर इन द हाई कोर्ट लेकिन अब क्या हो गया जो एनसीएलटी है एनसीएलटी प्रैक्टिकली कोर्ट तो है ही नहीं ना ये तो एक सेपरेट काजी जुडिशियल है ये तो कोर्ट ही नहीं तो अब एनसीआरटी के अंदर क्या है कि भाई एक सीए भी रिप्रेजेंट कर सकता कर, कर है अपने बाकी जो अकाउंटेंट है, है, है ये लोग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनसीआर के अंदर इसीलिए अब एक सेक्शन भी अलग से ड्राफ्ट कर दिया गया सेक्शन फोर कि कोई क्लाइंट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने कंपनी सेक्रेटरी को कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑथराइज कर सकता है कि भाई तुम मेरे भी हाथ में केस लड़ लो कोर्ट के सामने मतलब एनसीआरटी के सामने तो प्रैक्टिकली ये रीजन था कि वहां पे एडवोकेट्स के हाथ से कुछ काम जा रहा था और वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरीज की भी एंट्री हो रही थी और इसीलिए वहां पे ऑपोजिशन था बट खैर सुप्रीम कोर्ट ने जो फेवर है वो एनसीएलटी के फेवर में रूल आउट किया और बहुत ही खुशी की बात है कि आज देश के अंदर एनसीएलटी है और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने क्लाइंट का केस कहां लड़ सकते हैं एनसीएलटी में लड़ सकते हैं तो यानी क्या हो गया यहाँ पे स्कोप ऑफ प्रोफेशनल इंक्रीज हो गया अब जब एनसीएलटी बना था जब एनसीएलटी बना था तो प्लान किया गया था कि एनसीआर को हर स्टेट में बनाया जाएगा लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है टोटल NCRT के है, है के हैं हैं बेंचेस पूरे देश अंदर जिसमें दो बेंचेस न्यू डेली के अंदर और फिर नौ अलग अलग स्टेट जहां पे एक एक अलग अलग बेंचेस है जैसे कि मुंबई के अंदर है एंड इनफैक्ट खुशी की बात है कि जो मेरा होम टाउन है गुवाहाटी तो गुवाहाटी के अंदर भी एक एनसीआरटी का ऑफिस है राइट तो दिस इज द करेंट सिनेरियो सो ये जो पार्ट था दैट वाज ओनली फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये जो पार्ट है पूरा का पूरा क्या है वजह क्या है प्रैक्टिकली तो एनसीआर साथ साथ भी बना कि एनसीआरटी में अगर कोई क्लाइंट केस हार जाएगा तो एनसीआर के खिलाफ अपील कहां करेगा नेशनल ट्रिब्यूनल किसी भी एक्ट के अंदर फाइनल ऑथोरिटी हमेशा सुप्रीम कोर्ट होता है तो एनसीआरटी के खिलाफ अगर आप अपील करना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट है तो फिलहाल जो देश के अंदर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सब मैटर्स को एनसीआरटी डील करने वाला है एनसीआरटी एक काजी जुडिशियल ऑथोरिटी है उसके पास सिविल कोर्ट से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो सारे के सारे पावर्स हैं एनसीआरटी फैसला सुना देगा अगर एनसीआर के फैसले से आप खुश नहीं हो तो अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीआरटी आप अपील कर सकते हो टू नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से भी आप खुश नहीं हो तो फाइनल ऑथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं भी नहीं जा सकते

407 से लेके 434 एनसीईआरटी के लिए अलग से सेक्शंस डेडिकेटेड हैं कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन होगा एनसीईआरटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा उनके क्वालिफिकेशंस क्या होंगे एनसीईआरटी के पावर्स क्या होंगे एनसीईआरटी के खिलाफ आप किसको अपील कर सकते हो इस तरीके से अलग से पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया गया विद रिस्पेक्ट टू तो एनसीईआरटी जो कि अपने को एग्जाम के लिए देखना है राइट right. तो दिस इज द बेस ऑफ द एनसीईआरटी दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनसीईआरटी आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा कि भाई एनसीएलटी आने की वजह क्या है और क्यों हम प्रोफेशनल्स को एनसीएलटी आने की वजह से खुश होना चाहिए तो आपको जो भी नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो